देखिए इसका बाल कटिंग हो चुका, देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ हाँ चुभ रहा है, इसको चुभ रहा है, अब जाके नहाना पड़ेगा, नहाओगे? हाँ हाँ, तो चलिए अब चलते हैं। तो हम लोग खा लिए हैं, हम क्या खाए हैं, थोड़ा खाए हैं। ये आयु कैसा लगा बोल? हाँ कैसा लगा? टेस्टी क्या होता है, टेस्टी क्या होता है? यम्मी यम्मी। आर्यन कैसा लगा बेटू? यम्मी। अब फिर कब खाओगे? संडे टोडोस। हेलो नमस्ते प्रणाम सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हो। ये कैमरा मैन है ना, वो मुझे हंसा रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा हंस रही हूँ। ओके तो आज मार्केट जाने वाले हैं और संडे स्पेशल ब्लॉगिंग होने वाली है। ये मार्केट से तो वैसे आ गए हैं, मतलब ये मैं थोड़ा सा बाद में शूट कर रही थी क्योंकि ना इधर सुंदरकांड हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं सोची कि थोड़ा सा कॉपीराइट आ सकता है इसकी वजह से। तो देख लीजिएगा आप लोग कैसा क्या है। और घर पे आने के बाद मैं काफ़ी दिनों के बाद ये आज बनाने जा रही हूँ चिकन। और ये मतलब 2-2.5 महीना हो गया होगा हम लोगों को ना खाने का मन नहीं करता था, साथ खाने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर बच्चे को ना अच्छा लगता है तो वो बोल रहे थे कि बनाने के लिए, तो संडे था इसलिए बोले कि चलो कोई नहीं बना दे रहे हैं। तो इसी की वजह से मैं ये यहाँ पे बैठ के ये लहसुन छील रही हूँ, उधर बन ही रहा है। पूरा रेसिपी नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि रेसिपी तो सबको पता है। ओके तो मतलब कैसे मैं बनाती हूँ, कैसे क्या वो बनने के बाद कैसा लगता है वो सब दिखाऊँगी। ओके तो आप लोग तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके तो मैं ये लहसुन छीन लेती हूँ पहले और फिर इसके बाद मसाला वसाला पीस के मैं आपसे मिलती हूँ। ओके सो उस संडे को नहीं मिला था चाउमीन, मतलब दुकान बंद था जिस दुकान में हम लोग खाते थे वो दुकान, तो आज आए हैं फिर से। और ये देखिए आज खूब इन्जॉय कर रहा है खा खा के। कैसा है बताओ? अच्छा। खाओ खा कुछ खाओ, चम्मच से खाओ, चम्मच से खाओ, चम्मच से खाओ, चम्मच से मैं खा नहीं पाता, चम्मच से खा नहीं पाते क्यों? कैसे? ए देखो तो हम भी इधर भी आई खा रहे हैं। तो हम लोग खा लिए हैं, हम क्या खाएं, थोड़ा खाए हैं। ये आयु कैसा लगा बोल? हाँ कैसा लगा? टेस्टी क्या होता है, टेस्टी क्या होता है? यम्मी यम्मी। आर्यन कैसा लगा बेटू? यम्मी। अब फिर कब खाओगे? संडे टोडोस। हाँ क्योंकि इन लोगों का ना मतलब संडे को जो कुछ खाने का मन करता है बस संडे को खिलाते हैं, मतलब वैसे फ्री रह होता है आराम से आके, फ्री कहीं जाते नहीं अभी घूमने किसी कारण से, पर हाँ पीछे आ जाते हैं मार्केट में और बच्चे को जो खाना रहता है वो हम लोग खिला देते हैं संडे को, क्योंकि उन दोनों को टाइम नहीं मिलता बस संडे को ही मिलता है, तो हम लोग संडे को ही आते हैं। ओके तो अब यहाँ से चल रहे हैं, इसका बाबू का बाल बड़ा हो गया थोड़ा सा, इसको हेयर कटिंग करवाना है, तो चलिए आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बनी रहिएगा। देखिए इसका बाल कटिंग हो चुका, देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ चुभ रहा है, इसको चुभ रहा है, अब जाके नहाना पड़ेगा, नहाओगे? हाँ हाँ, चलिए अब चलते हैं। ये देख सकते हो ये बन रहा है, अब इसको ढक देते हैं, पानी डाल दिए हैं और इसके बाद अब ढक दिए हैं और अब जार में एक साइड फिर से चावल चढ़ा देते हैं, थोड़ी सी रोटी भी बनाएंगे, चावल भी बनाएंगे, मुझे तो चावल ही चाहिए पर इनको चाहिए रोटी और बच्चे को भी रोटी चाहिए, तो मैं रोटी भी बनाऊंगी और चावल अपने लिए बनाऊंगी, पर वो लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर से जिनको खाना होगा वो खा लेंगे और इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। किचन उचन भी साफ़ करना, तो ये एक्चुअली ये बनता है ना तो बहुत लफड़ा हो जाता है, मतलब आपको किचन अच्छे से साफ़ करना होता है, ये करना होता वो करना होता, 2-2.5 महीने के बाद, इसलिए मैं आज इसी लफड़ा के चलते मैं बनाती नहीं ज़्यादा ये सब, 2-2.5 महीने के बाद चिकन बनाई हूँ। हाँ मटन बनाती हूँ
मतलब वो भी जब भी खाने का मन होता तभी एक महीना में लफड़ा, ये सब में बहुत लफड़ा होता नहीं, इसी की वजह से ज़्यादा बनाना नहीं चाहती हूँ। बाकी अब तो बाद ही, बहुत दिन के बाद ही बनाऊँगी, अब तो अभी नहीं बनाऊँगी, बहुत दिक्कत हो जाती है ना, पूरा किचन साफ करो, ये करो, वो करो, वो करो, इसके वजह से। तो चलिए बहुत बात कर ली हूँ, अब जा रही हूँ जल्दी से चावल चढ़ा के और फिर रोटी बनाऊँगी, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, हाय, गुड मॉर्निंग। सो अभी बजे हैं 7 और मैं उठती हूँ, मतलब 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। बाबू तो अभी नहीं गया है, पढ़ाई गई है स्कूल, तो उसको मैं पूरी सब्जी, पूरी और आलू की सब्ज़ी बना के दी हूँ, वो गई हैं, ये भी गए हैं उसको पहुँचाने। और अब मैं जाऊँगी चाय बनाने, और रात में ना मैं ढंग से नहीं खा पाई जो बनाई थी, सुबह सुबह नाम नहीं लेते हैं, क्या मैं नाम लूँ, सीताराम, तो मैं ढंग से नहीं खा पाई। अब ये लास्ट था, अब इसके बाद नहीं बनाऊंगी मैं, क्यों ना, अब मन नहीं करता ये उस सब पे कि हाँ वो सब चीज़ खाया जाए, अब पता नहीं क्यों मन नहीं करता है। मटन मछली तो खाती हूँ, पर ये सब, ये चीज़ नहीं मन करता खाने को। तो जब मन नहीं करता, 3 बार से मैं चांस दे चुकी हूँ, 3 बार से मैं बनाती हूँ पर खा नहीं पाती हूँ, खाते टाइम मतलब मेरा मन भटक जाता है। तो इसके बाद आज लास्ट था, आज के बाद इनको भी खाने का मन नहीं, बताइए ना, हम लोग खाते थे, हम दोनों का एक ही साथ नहीं खाने का मन कर रहा है, कृपा है महादेव की, जो अच्छा हुआ नहीं खाए, जितना नहीं खाए इससे दूर है उतना ही अच्छा है, तो अब नहीं खाना है। तो फिर भी रात में तो था, वो बचा है, तो बोलती हूँ, देखती हूँ अगल बगल में कोई है तो आके उनको खिला दूँगी, बच्चे दोनों को पसंद है, वो दोनों खाएंगे। और क्या बोलते हैं ये, अगल बगल में कोई बच्चा रहता है ना, तो मैं देख के क्या बोलते हैं ना, खिलाते हैं, खा लेंगे, तो फेंकने बर्बाद करने से अच्छा कि कोई खा जाए इसके लिए। तो अभी मैं चल रही हूँ चाय बनाने, और इसके लिए मैं ये दूध निकाल दे रही हूँ। आज सुबह के टाइम में ना हम लोग गुड़ वाला चाय पीते हैं, तो चीनी वाला चाय शाम के टाइम में पी लेते हैं, और पर गुड़ वाला चाय ना अभी के टाइम में पीते हैं, सुबह के टाइम में। तो इसके लिए देख सकते हो आप, ये मेरा मलाई फिर से फूल हो चुका है, अब मैं इसको आज घी निकालूंगी, और ये जो दूध वाला मलाई है दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड, देख सकते हो आप, ये देखिए पास से कितना मोटा हो गया, देख सकते हो आप, देख सकते हो कितना मोटा हो गया है, ये 1 लीटर दूध है। तो उसको मैं बॉयल करती हूँ और शाम को डायरेक्ट फ्रिज में रख देती हूँ, और ये भी भर चुका है, तो आज मैं घी निकाल देती हूँ। तो जा रही हूँ मैं चाय बनाने। ओके, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे, देखती हूँ क्या खाना में बनेगा। इनको ना चावल ज़्यादा नहीं पसंद, तो क्या बोलते, रात में थोड़ा सा चावल बचा था, मुझे चावल पसंद है, तो रात में थोड़ा सा चावल बचा था, तो मैं उस सोची उसको फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा रोटी भी बनाऊँ, और रोटी बनाऊँगी, पूरी बनेगा, इनके लिए क्या बनाती हूँ वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। ओके, तब तक आप लोग भी चाय पी लो। सो ये रही हमारी गुड़ वाली चाय, ये देख सकते हो आप, ये गुड़ वाली चाय की ना मतलब अलग ही उसकी पहचान होती है, उसका कलर ना थोड़ा डार्क टाइप का आता है, ये देख सकते हो आप लोग। तो हम लोग सुबह में ना यही गुड़ वाली चाय पीते हैं, तो अभी इनको देते हैं। ये गुड़ वाली चाय है, ये टेस्ट तो अच्छा हो। ये देख सकते हो मैंने मलाई की मक्खन निकाल ली है, और ये देख सकते हो कितना सारा है, मतलब 1 हफ्ता की मलाई का ये मक्खन है। और मैं हमेशा घर में ही घी बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का घी से अच्छा तो अपने घर का घी होता है। ये देख सकते हो मलाई था जितना, उसका ये 1 हफ्ता का मलाई था, और इसको इतना निकला है, देख सकते हो। तो अब मैं इसे घी नहीं बनाऊँगी, अभी रख देती हूँ, जब भी टाइम मिलेगा तभी बनाती हूँ। तो आप लोगों को भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, अपनी घी की तो बात ही कुछ और होती है। तो अभी इसका स्कूल जाने का टाइम हो गया, ये रेडी हो रहा है, बनाओ पहलो पहलो और इसको बोले हैं कि फुल स्वेटर, बोला है कि मैं फुल स्वेटर पहन के नहीं जाऊँगा। मैं बोली कि ठीक है, तो तुम ये हाफ स्वेटर पहन लो। तो क्या होता है आर्यन, ये हाफ स्वेटर पहन के जाते हो तो? जब मैं हाफ स्वेटर जा रहा हूँ, मेरे सारे रुई नोच लेते हैं। रुई सारे लोग उसके स्वेटर का रुई नोच लेते हैं। तो तुम कुछ बोलता नहीं है, हाँ मेरा बेटू बोलता नहीं कुछ? मैम से बोलने जाता, बोलते सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैम से बोलने जाता है तो बोलते हैं सब सॉरी सॉरी, हाँ। तो फिर तुम क्या बोलता है? नहीं, मैं बोल रही
रहूंगा। बोल के रहूंगा ऐसा तो मैं बोल देता हूँ जल्दी से दौड़ से। बोल देता है तो कोई अब नहीं तुम्हारे स्वेटर का कोई कुछ करेंगे, पहन के जाओ आप। तो अभी इसका आयु तो गई, इसका लंच वंच सब रेडी हो चुका है और ये भी रेडी हो रहा है। और इसके बाद अभी पहन लो, पहन लो, आज कुछ नहीं, ऐसे उल्टा हो गया, उल्टा सीधा इधर से पहनो, इधर से पहनो, हाँ इधर से ऐसे करके पहनो। तो अब जा रही हूँ थोड़ा सा इसको भी इधर से, हाँ सब कुछ अपने से कर लेगा। अगर कपड़ा उपड़ा पर खाना खाने में ना इसको आधा घंटा लग जाता है, अगर मैं ना बैठूँ तब मैं बैठूँ तब लगता है, अगर मैं ना बैठूँ तब बहुत ज़्यादा और लग जाता है। तो मैं जा रही हूँ इसको रेडी करने, ओके। और ये ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। आप लोग ऐसे नहीं बेटू, रुक जा मैं पहना देती हूँ, गदूँ कहीं। तो मैं ये ब्लॉग को करती हूँ एंड। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल लीजिएगा, रखिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके। बाय करो गैरियन, बाय बाय। ऐसे करो, ऐसे क्या है कट्टी, ये क्या है, हाँ कट्टी है, ऐसे एक उंगली से बाय करोगे। बाय 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 बाय।